हे गाइस, तो मैंने फेस पर थोड़ा सा टचअप कर लिया है, नेल पेंट लगा दी है और बहुत ज्यादा गर्मी रहती है ना, तो हर एक दिन छोड़ के एक दिन थोड़े से बाल गीले करने पड़ते हैं, उससे अच्छी ठंडक रहती है। चलो मैं दिखा देती हूँ मेरा ड्रेस का कलेक्शन, के मैं कौन से सूट लेकर आई हूँ। चलो बने रहो ब्लॉग के अंदर, ब्लॉग स्किप बिल्कुल नहीं करना। जो भी नया सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना, खूब सारे कमेंट करना, ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोचते हो हमारे बारे में। चलो जी, माय फर्स्ट सूट मैंने ये वाला लिया है। ये जो कलर है ना, वो मैंने ज्यादा नहीं लिया है, कभी भी मैंने ऐसा कलर ज्यादा पहना नहीं है, तो मैं आपको वेयर करके बताती हूँ कि किस तरह का लगेगा। और ये जयपुरी जयपुर का कापड़ है, यहाँ का नहीं है, जयपुर कॉटन है और एकदम पतला कापड़ है, बहुत अच्छा कॉटन का कापड़ है। और ये 700 का मुझे पड़ा है, 700 बहुत ज्यादा नहीं था, उसने कितने 50-1 रुपए कम किए उसने, तो बस 700 में मुझे पड़ा है, तो मैं आपको वेयर करके बताती हूँ तो किस तरह का लग रहा है। चलो बने रहो व्लॉग में। तो किस तरह का लग रहा है मेरा शूट, मैं आपको और अच्छे से दिखा देती हूँ। बहुत अच्छी सी फिटिंग है इसकी, और मेरा है ना एक्सल है, पर जो मैंने एक्सल लिया था ना, उसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा मुझे यहाँ से टाइट हो रहा था, यहाँ से थोड़ा सा टाइट हो रहा था, और कॉटन कोई भी चीज होगी उसको एक बार वॉश करने के बाद वो थोड़ा सा और फिट हो जाता है, तो मैं इसमें डबल एक्सेल लिया, फिर भी वो मेरे को अच्छा फिटिंग हो गया है। और आप बताओ कमेंट करके कि ये कौन कलर कैसा लग रहा है। चलो मैं आपको दूसरा सूट वेयर करके बताती हूँ। तो गाइस, ये हमारा दूसरा सूट। चलते चलते स्पीकर को पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसी दिक्कत आ जाती है ना कभी कभी, तो कि क्या ही बताया आपको। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैंने थर्ड सेकंड नंबर का सूट पहना है और इसका आउटफिट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी सी फिटिंग है और बहुत एकदम लाइट वेयर कपड़ा है। बहुत मुझे फाइनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप बता देना कमेंट में कि कलर वगैरह सब कुछ किस तरह का लग रहा है आपको, फिटिंग किस तरह की लग रही है और आपको कहाँ से लेना, अगर आपको लेना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने ये सूट कहाँ से लिए है। और जयपुर का कापड़ है, यहाँ का कापड़ नहीं है, और जयपुर के कापड़ बहुत फेमस होते हैं और बहुत अच्छा सा कापड़ होता है वो, कॉटन का तो पूछो ही मत, मतलब बहुत अच्छा रहता है। तो स्पीकर मेरा बंद हो गया, मैंने बहुत सारी आपसे चर्चा की, बातें की, पर अब क्या कर सकते हैं, तो हो जाता है कभी कभी हमारे साथ ऐसा। तो ये देख लीजिए हमारा आज का आउटफिट, और इंस्टाग्राम पर भी हमारी रील अपलोड की हुई है, तो वहाँ जाके भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और देख लीजिए, जब भी मैं मतलब कभी भी सूट लेकर आती हूँ ना, तो बस ऐसा हो कि भाई कहीं जाए तो अच्छा लगे। इस बार मैं चुन्नी वाले सूट नहीं लाई हूँ क्योंकि घर में ही पहनने हैं, तो चुन्नी वाले सूट नहीं लाई हूँ। कहीं जाना होगा तो जो होती है मतलब जहाँ जाते हैं ना हम कभी समाज के अंदर, तो हम चुन्नी वाले सूट पहनते हैं, अदरवाइज तो लेगिंग्स टॉप चलता है। ये गाइस, ये थर्ड नंबर का आउटफिट है मेरा, और इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सा कॉटन है ये, तो आपको मैं पूरा दिखा देती हूँ। बहुत कलर बहुत अच्छा लग रहा है इसका, ये कलर शायद मैंने पहली बार ही लिया है, ये देख लीजिए सारे में पेंट के। मेरी आवाज अब तक मैं पहुंचा के जरूर रहूंगी, स्पीकर का कोई भरोसा नहीं है, कभी चल गया कभी नहीं चला। तो फ्रेंड्स ये भी आउटफिट मेरा बहुत सुंदर था और फाइनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस तरह का लगा, और लाइक करना जरूर, लाइक जरूर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो आपके मोटिवेशन से हमें थोड़ी सी हिम्मत आती है और हम अच्छे अच्छे से ब्लॉग लेकर आते हैं। और आपके अगर मगज में आइडिया नहीं आते, बहुत सारे घर के काम रहते हैं उसमें आइडियाज नहीं आते, तो आपको आइडियाज भी मिल जाएगी कि आपको किस तरह के कपड़े चाहिए, क्योंकि कभी बाहर जाना चाहते हैं आप, गर्मियों के मौसम में किस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, तो आपको पता भी चल जाएगा। तो मेरा बहुत 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 प्यारा लग रहा है। तो चलो मैं एक कुर्ता है इसकी लेग, इसका मैं पूरा पैर नहीं लेकर आई हूँ, सिर्फ कुर्ता ही कुर्ता है, तो मैं आपको बता देती हूँ वेयर करके पलाजो के साथ। हे गाइस, तो ये भी बहुत 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 सुंदर वाला सूट है, तो चलो वेयर करके दिखाते हैं आपको। तो देखो जी किस तरह का लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है और एकदम से सिंपल लग रहा है, और इसके साथ प्लाजो मेरे पास घर में था ही, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ मैचिंग भी हो जाएगा,
तो मैं सिर्फ कुर्ता ही कुर्ता लेकर आई, और प्लाजो भी बहुत सुंदर लग रहा है, तो देख लीजिए आप, बहुत प्यारा लग रहा है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मैं पूरा आपको पीछे से आगे से सब जगह से दिखा देती हूँ घूम के कि किस तरह का लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। जल्दी जल्दी से जाए आपके लिए शॉपिंग कीजिए, खूब सारी शॉपिंग कीजिए। जब अच्छे अच्छे से कपड़े पहनते हैं ना तो हमारी बॉडी भी बहुत अच्छी से हेल्दी रहती है। मुझे मेरे साथ ऐसा होता है, मैं पुराने कपड़े पहनती हूँ ना तो मैं आलस आती है, मुझे कुछ मूड नहीं होता है, और मैं जब भी अच्छे कपड़े पहनती हूँ ना फटाफट से काम होते हैं, कहीं जाने का मन होता है, कुछ अच्छा काम करने का मन होता है। तो बस इतने दिनों से तो मेरे घर के पैंट के अंदर मुझे लगी पड़ी थी, और अभी भी बहुत सारा काम है। सुबह से मैंने काम निपटाया इतना सारा, तो मैंने सोचा चलो अब एक भी एक काम है मेरा, मुझे अपलोड करना होता है दोपहर में, 2 बजे का मेरा टाइमिंग है अपलोड करना वीडियो, तो मैं ये भी चलो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये आज लाइव ही होने वाला है, आज ही मैंने शूट किया है, आज ही लाइव करूँगी इसे। तो बस इस तरह का था मेरा कुर्ता। चलो जी, मैं आपको बता रही हूँ वही कि आप कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नए व्लॉग पे हो तो खूब सारा प्यार देकर जाना। इस तरह से मैं आपसे सारी चर्चा कर रही थी, और कुछ नई नई आइडियाज़ आती है मेरे दिमाग में, तो बस मेरे गमलों का थोड़ा काम बाकी है, वो भी मैं आपको शायद जरूर शेयर करूँगी। बाय बाय।